अच्छा मैंने आपका महाभारत भी देखा था जी और देखते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि ये शायद कोई फिल्मी पर्दे पे मैं देख रहा हूँ या ये कोई टीवी का बड़ा स्क्रीन है इतना परफेक्शन था उसमें इतना अटायर कहिए प्रॉप्स कहिए सारा प्रोडक्शन इतना शानदार था कि ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई ये लाइव प्ले हो रहा है जी। तो इतना परफेक्शन लाने के लिए कितनी रिहर्सल करनी पड़ती होगी कितना जी देखिए इट्स लाइक यू नो वॉट यूर वॉचिंग सेवेंटी एम एम बाहुबली फिल्म ऑन स्टेज विद एक्टर्स दे आर लाइव ऑन स्टेज एक्टर्स रियल परफॉर्म कर रहे हैं एक मिस्टेक नहीं हो सकती नहीं हो सकती बिकॉज <laughs> आप उसके लिए रियाज हमने तकरीबन एक वर्ष इसकी हमने रिहर्सल्स की नौ महीने तो हमने सिर्फ एक्टर्स के साथ रिहर्सल डायलॉग तो तपस्या करी है आपने हाँ जी बहुत आ, तप है जी आ, तप है उसके बाद फिर हमने जो साउंड म्यूजिक रिकॉर्ड डांसेस अच्छा फिर क्या है के हमने हम लाइव बैकग्राउंड म्यूजिक भी प्ले करते हैं अभी फिल्म जब आप देखते हैं तो भाई एक विलन की एंट्री तो डाडा दा डान दा डान एक आपने बैंक दे दिया अगर आप रिकॉर्डेड करेंगे थिएटर में टाइमिंग अलग हो सकता है, हो सकता है। पता चले वो एक्टर आया नहीं और डाडा डांग डांग आपका पहले म्यूजिक आ गया वो नहीं होगा वो जब पात्र आए अच्छा इमोशन है तो फिर इमोशन में वो कोई एक इमोशनल फ्लूट का नोट है या शहनाई का नोट है वो वहीं आना चाहिए इसके लिए ये परफेक्शन लाने के लिए अच्छा फिर हमने ऑडियो विजुअल्स का सहारा लिया है हमारे okay. हैं अब आप देखेंगे इसमें मतलब hmm. कमाल रावण जब एक पोर्शन तो गर्दन काटता है तो उसका गर्दन का गिरना वो वो ऐसा टाइम आपको लेगा ये ये तो ये बिल्कुल रियल है क्या बात दिस इज लाइक वॉचिंग सेवनटी एम एम फिल्म ऑन स्टेज विद एक्टर्स लाइव परफॉर्मिंग परफॉर्मिंग लाइव